अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे। आज की ब्लॉग में खुश आमदीद। कल से हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बादल आसमान पर बिल्कुल छाए हुए हैं। पता ही नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाती है और कब रुक जाती है। इस कल पूरा दिन सूरज नहीं निकला, आज अभी निकला है थोड़ा सा। बारिश की वजह से कितना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। हमारे हाथे का हाल देखें क्या हो चुका है, और जानवरों के नीचे देखें कितना ज़्यादा कीचड़ है। सिर्फ हमारे हाथे की इतनी बुरी हालत नहीं हुई बारिश की वजह से, बल्कि पूरा गाँव की सड़कें सारी खराब हो चुकी हैं। और सामने बाइक पर हम रेड़ी पर चारा भी नहीं लेके आ सकते, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। हम ट्रैक्टर पर चारा लेकर आ रहे हैं। मैं जल्दी से इनको बांध दूँ, देखें कैसे खड़े हुए हैं। तो बोलता हूँ एक जानवर को मैंने अभी बांधा है और इस कीचड़ से गुजर कर गया हूँ मैं। मुझे अकेले को जाना मुश्किल है और जानवरों को साथ लेकर गया हूँ। बहुत ज़्यादा कीचड़ है। चलिए जी, तो सबको बरामदे के अंदर बांध दिया, सिर्फ ये एक भैंस रहती है। और देखें कितने चक्कर लगा रही है कि मुझे क्यों नहीं खोला। जहाँ से छोटे जानवर खोले हैं वहाँ पर हमने लगानी है नीचे ईंटें, ताकि वो आराम से बैठ सकें, चारा खा सकें। मैंने पीछे से ईंटें उठाकर उनको पकड़ाई जानी है, अपने वालद को उन्हें लगाई जानी है। मैं इधर से उठाकर ले जाऊँगा, वो लगाई जाएंगे। 50-60 ईंटें लेकर जाऊँगा इधर से, तो उतनी पूरी आ जाएंगी। ये दोबारा गिर चुकी है, ये देखें ये कट्टी बच चुकी है, ये साइड पर बैठी थी। 8 ईंटें उठा ली हैं, अब लेकर चलता हूँ इनको नीचे। देखें कितना ज़्यादा कीचड़ है, इस कीचड़ से गुजर कर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी 11 ईंटें उठा ली हैं, अब लेकर चलते हैं इनको। पहले 8 लेकर गया था, अब 11 हैं। ज़्यादा कीचड़ इस वजह से स्लिप नहीं होता। चलिए लेकर चलता हूँ अब। पहले भी 11 ईंटें उठाई थी, अब दोबारा 11 ही उठाई हैं। ज़्यादा उठा नहीं हो रही, तो जितनी आसानी के साथ उठाई जाती हैं उनको लेकर चलते हैं, वरना ज़्यादा उठा ली तो रास्ते में गिर सकता हूँ। कीचड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह जो आपको पीछे इतना ज़्यादा कीचड़ नज़र आ रहा था, देखें जगह बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। सुबह को मैंने इस साइड से जानवर खोले थे छोटे, तो कितना ज़्यादा कीचड़ था, गप बनी हुई थी, तो हमने वो सारी गार साइड पर कर दी थी। ये देखें सारी गार साइड पर कर दी थी। इतनी ज़्यादा कीचड़ में ईंटें लेकर गया हूँ, लेकिन मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, मेरे पाँव बिल्कुल अंदर चले जाते थे, इस वजह से मैं स्लिप नहीं हो सकता था। फिर मैं सुकून के साथ जितनी भी ईंटें थी सारी लेकर चला गया। चारों जानवरों को खोल कर लेके आता हूँ और इधर बांधता हूँ। सुबह यही जानवरों को मैंने इतने कीचड़ से निकाला था, और आप देखें इनके लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब चारा भी सुकून से खाएंगे, रात को सुकून के साथ सो भी सकेंगे। स्टैंड वाले पंखे का स्विच निकल चुका है तार से, अब मैंने इसको लगाना है। इस छुरी के साथ इस स्विच को लगाऊंगा तार के साथ, तो मैं लगाता हूँ अब छुरी के साथ। इसकी नेट को खोलूंगा पहले, छुरी के साथ ये खुल नहीं रहा था नेट इसका, मैं दाती लेकर आया हूँ उससे खोलता हूँ। देखिएगा इससे खुल जाएगा, टाइट ज़्यादा हुआ था, इससे थोड़ा सा लूज हो गया। मैं छुरी के साथ खोलता हूँ, ये देखें जी नेट खुल चुका है, और देखें स्विच को खोली है। ये दो नेट मैंने खोलने हैं और इधर से तार डालनी है, फिर इनको टाइट कर देना है दोनों को। चलिए अब मैं ये दोनों नेट खोलता हूँ पहले। ये दोनों नेट लूज़ कर लिए हैं, अब इनके अंदर तार चली जाएगी, अब मैं तार डालता हूँ। एक तार डाली, अब दूसरी को भी डालते हैं। ये दूसरी भी चली गई है, दोनों तारे डल चुकी हैं इसके अंदर। आप ये दोनों नेट मैंने टाइट करने हैं छुरी के साथ। ये पेज वाला नेट मैंने इसके अंदर डालना है और इसको टाइट कर देना है। कुछ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है, इधर से देखें नेट बिल्कुल टाइट हो चुका है। और स्विच लगा दिया है, आप पंखा ऑन करते हैं। स्विच हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है, देखिए पंखा भी चल चुका है। छुरी के साथ मैंने स्विच लगाया है। अगर आपके पास भी टेस्टर ना हो तो आप छुरी के साथ स्विच लगा सकते हैं घर में ही, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने आपको एक नई चीज दिखा दी है, इसलिए आज का व्लॉग इधर खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।